नमस्ते, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंत्योदया योगा। आज मैं आपका ध्यान अपनी श्वास पर लेकर जाना चाहूँगी कि हम पूरा दिन 24/7 हमारा ध्यान बाहर की तरफ होता है, लेकिन आज इस वीडियो को देखते हुए आप थोड़ी देर के लिए अपनी श्वास के बारे में ज़रूर सोचें। जब हम फूड का सिलेक्शन करते हैं, व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट, क्या खाएं क्या ना खाएं, तो उसके लिए हम बहुत जागरूक होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम सड़ी हुई चीज़ों को ना खाएं, जो चीज़ें रॉटन हैं उनको ना खाएं, जिनका एक्सपायरी डेट क्रॉस हो गया हम उनको ना खाएं। बट खाने से भी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भोजन है हमारे पूरे शरीर के लिए, वो है प्राण शक्ति, वो है प्राण वायु, वो है श्वास, जिसे हम श्वास के माध्यम से लेते हैं, उसको लेकर के हम बिल्कुल जागरूक नहीं हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपका ध्यान उसकी ओर ज़रूर लेकर जाना चाहूँगी। हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम जो श्वास लेते हैं उसके साथ एक विद्युत शक्ति प्राण के रूप में हर एक श्वास के साथ हमारे भीतर प्रवेश करती है, और जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो प्राण के रूप में वही विद्युत शक्ति हमारे पूरे शरीर में स्प्रेड करती है और फैलती है, और पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन वह विद्युत शक्ति ही कराती है। लेकिन हम लोग अगर आजकल की जीवन शैली देखें हम लोगों की, तो हम देखेंगे कि हम लोग शुद्ध वायु से बहुत दूर होते जा रहे हैं। खुली जगह में बैठना, खुली जगह में श्वास लेना, खुली जगह में टहलना, धीरे 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 करके हमारी जो लाइफस्टाइल है उससे काफ़ी दूर होता जा रहा है। जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हमारा पार्ट ऑफ लाइफ बनता जा रहा है। ज़्यादा देर तक कंप्यूटर के सामने बैठे रहना, झुक कर के बैठने से हमारा जो ये चेस्ट एरिया है, लंग्स एरिया है, वो अपने आप कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है, जिससे कि हम पूरी तरह से श्वास भी नहीं ले पाते हैं। एक और एग्जांपल आपको देना चाहूँगी किस तरह से हम हवा से दूर हो रहे हैं। जैसे आप अगर शाम के समय में, दिन के समय में भी आप जा कर के देखो तो सारे घरों की खिड़की दरवाजे बंद होते हैं। ज़्यादातर घरों में एसी है, पंखे हैं, कूलर हैं, तो शुद्ध हवा को घर में एंटर करने का मौका नहीं मिलता। ठंड के समय की बात करें, थोड़ा जब मौसम ठंडा हो जाता है तब आप देखोगे रात के समय में, शाम के समय में, तो सारी खिड़कियां दरवाजे सभी के घरों के बंद हो जाते हैं, और लोग चाहते नहीं हैं कि ठंडी हवा उनके घर में प्रवेश करे, और वो लोग उसी एक जो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है उसी में रहते हैं, खिड़की दरवाजे बंद करके एसी की हवा में, कूलर की हवा में, उसी की हवा में श्वास लेते रहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसी श्वास को, जिस श्वास को हम छोड़ रहे हैं, उसी श्वास को हम बार बार अंदर ले रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर के भीतर जो कार्बोनिक एसिड है वो एक विष के रूप में बाहर के हवा से मिल जाता है और एक जहर बनाता है, एक विष बनाता है, और उसी विष को धीरे धीरे करके हम श्वास लेते रहते हैं। उसी एयर को जो हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, उसी को श्वास लेते रहते हैं छोड़ते रहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है बंद कमरों में अपना जीवन बिताने की और उसी में श्वास लेते रहने की, ये क्रिया हमको धीरे धीरे कमज़ोर बना रही है। दूसरी बात क्या है, हम क्या करते हैं कि ठंडी हवा में नहीं जाना चाहते हैं कि हमें सर्दी हो जाएगी, ज़ुकाम हो जाएगी, फीवर हो जाएगा, टेरेस पर जाना लोगों ने छोड़ दिया, जैसी ठंडी हवा लोग खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। लेकिन हमें किस बात का डर होता है कि सर्दी हो जाएगी, फीवर हो जाएगा। लेकिन एक बात आप ये समझें कि सर्दी, जुकाम, फीवर ये बीमारी नहीं है, ये एक डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया है, शरीर शुद्धि की क्रिया है, जो कहीं ना कहीं उसी के शरीर में आती है। सर्दी, जुकाम, फीवर उसी को आता है जिसके शरीर में मल भर जाता है, और सर्दी, बुखार, जुकाम के माध्यम से ये मल जो है शरीर बाहर निकालती है, बलगम कफ के माध्यम से। तो अगर आप ठंडी हवा में रह भी रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि सर्दी जुकाम का अटैक हो रहा है आपके ऊपर, तो आप उससे परेशान मत होइए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप उस मल को, उस टॉक्सिक एजेंट्स को अपने शरीर में दबा कर रखेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं सप्रेस्ड होंगे, और वो फिर कहीं ना कहीं नई बीमारियों के रूप में, बड़ी बीमारियों के रूप में डेवलप होंगी। नेचुरोपैथी का यही सिद्धांत है कि दबे हुए रोग उभरते हैं। तो अगर आप ऐसी चीज़ें जो शरीर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है उनको शरीर में दबा कर रख रहे हैं, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करके, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें एक नई बीमारी के रूप में आगे आपके शरीर में निकल करके आएंगी। इसीलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध वायु में रहें। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी। आप, मेरे ख्याल से आप में से हर कोई एक ना एक बार तो खुली हवा में सोया होगा, टेरेस पर सोया होगा। आप एक बार कभी डिफरेंस नोट करके देखिए कि एक वो जब आप पूरी रात आप बंद कमरे में लेटे हों
और एसी की हवा में, पंखे की हवा में, तो उठने के बाद आप कैसा सुबह महसूस करते हो? आपको हैवीनेस लगता है, एक स्लगिशनेस होता है, एक सुस्ती सी होती है, भारीपन सा होता है। लेकिन कभी आप सुबह खुली, लेकिन आप अगर रात भर आप किसी खुली जगह में सोए हो, मे बी ऑन योर टेरेस समवेयर विच इन ओपन एरिया, जहाँ पर आप शुद्ध हवा से संपर्क में हो, तो आप सुबह उठेंगे तो आप पहली बात तो आप देखोगे आपकी नींद जल्दी खुल जाएगी। आप उठेंगे तो एक अपने आप में आप एक्टिव होंगे, आपके अंदर सुस्ती नहीं होगी, आपकी नींद अच्छे से पूरी हो जाएगी। सो बेसिकली आप याद रखें, नींद पूरी करने के लिए वी रिक्वायर प्योरेस्ट पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, नॉट दैट आर्टिफिशियल एयर जो कि हम अपने बंद कमरों में क्रिएट कर देते हैं। इसीलिए लास्ट में मैं यही बताना चाहूँगी कि खुली हवा में बैठिए, खुली हवा के संपर्क में आइए, और प्लीज़ डरिए मत, क्योंकि खुली हवा, ठंडी हवा आपको बीमार नहीं बनाएगी। आप अपने आप को जितना प्रकृति से मिला करके रखेंगे, प्रकृति के संपर्क में रखेंगे, आप उतना ज़्यादा निरोगी रहेंगे, आरोग्यवान रहेंगे। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल अंत्योदया योगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि योग सभी के लिए सर्वसुलभ और कल्याणकारी सिद्ध हो सके।